ए ब्राइट स्टार ऑफ माई कंट्री, जेई मेन्स का मोस्ट अवेटेड एग्जाम आपने दे दिया और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब जेई एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं जेई मेन्स के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कई शिफ्ट में, इनके सोल्यूशन हम लोग बना के आप तक जो है पहुँचाएंगे, हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, आप इस सोल्यूशन को देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जो क्वेश्चंस जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं, वो उनके दिमाग में क्वेश्चन जो लिख बैठ जाता है वो एग्जैक्ट आप बताते हैं और वो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो बीच क्वेश्चन आर द मेमोरी बेस्ड, ओके। अगर आपने देखा होगा तो आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपने देखा है, ओके। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल। अब डिटॉल एक एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक जानते हैं, ये सड़न को रोकता है, कहीं पर घाव लग जाता है, चोट लग जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए डिटॉल या सेवलॉन वगैरह यूज करते हैं। और डिटॉल में कई सारे कंपाउंड्स, सोल्यूशन में कई चीज़ मिलाया जाता है, इसमें एक ही भी कंपाउंड मिला जाता है, इसको कहते हैं हम लोग ये जाइलीन के साथ क्लोरो लगा हुआ तो क्लोरोजाइलिनॉल, यही इसी को डिटॉल भी कहा जाता है, ओके। तो ये आपका आंसर इसका 3 हुआ। और वैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मैंने, हम लोगों ने एक 300 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उस 300 क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपसे पूछा था डिटॉल का कॉम्बिनेशन में इस स्ट्रक्चर को पूछा था। एक ग्रैंग बूस्टर का सीरीज चलाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ओके, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा नाम पूछा है। अब याद रखिए इसमें सीधा सीधा नाम पूछा हुआ है, तो जो नाम इसमें से जो लिखा गया जो मैच कर रहा है, जो नाम मैच कर रहा है जो लिखा हुआ है वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 फाइव फॉर्माइल जी 1 2 3 4 5 6 एक तो नाम इसका हुआ 5-फॉर्माइल 1-कार्बोक्सिलिकेस, हाँ 2-मिथाइल 5-फॉर्माइल 2-मिथाइल हेक्स 3-इनोइक एसिड, तो 5-फॉर्माइल 2-मिथाइल हेक्स 3-इनोइक एसिड यहाँ पर सिल्क। मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग पैरेंट कार्बन चेन इसको भी मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर 6-ऑक्सो होना चाहिए, 6-ऑक्सो एंड 2-4-डाइमिथाइल, पर यहाँ पर 6-ऑक्सो कहीं पर दिया ही नहीं, 5-ऑक्सो दिया है, 5-ऑक्सो दिया है ना, तो ये वाला ऑक्सो वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो होगा 5-फॉर्माइल 2-मिथाइल हेक्स 3-इनोइक एसिड, ओके। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एल्कीन का, और आप जानते हैं कि एल्कीन की हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे वाटर के साथ H+ आयन की प्रेजेंस में एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं आप, तो वाटर से H3O+ से आपको क्या प्राप्त होगा, एक H+ प्राप्त होगा और एक वाटर प्राप्त होगा। ये H+ जो होगा मार्कोनिकॉफ मेथड से किनारे वाले कार्बन पर अटैक करके ये वाला कार्बोकेटायन बनाएगा। ये क्वेश्चन आपकी नोट्स का क्वेश्चन है, आपने किया है, ये सबने सही किया होगा मुझे उम्मीद है। ये कार्बोकेटायन बनेगा और हमें पता है कि इस कार्बोकेटायन में रिएजमेंट होगा रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन के थ्रू। रिएजमेंट कैसे होगा, ये केटायन के अल्फा और बीटा के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा और फिर अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे 6 मेंबर का रिंग बनेगा ये। अब इस केटायन पर फाइनल जो केटायन बनेगा इस पर वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा जहाँ पर केटायनिक कार्बन है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फिर ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल से H+ बाहर निकलेगा और बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट ये, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल इज द आंसर 3, इसमें रिएजमेंट हुआ। ये क्वेश्चन आपका 11 के एल्कीन हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में 11 के एनसीईआरटी में और 12 के एनसीईआरटी में अल्कोहल ईथर में आप पढ़ते हैं, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है कि मोस्ट रिएक्टिव विथ हाइड्रोजन साइनाइड आउट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से हाइड्रोजन साइनाइड के प्रति कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड का यदि हम रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू, हाइड्रोजन साइनाइड स्लाइट बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पर बनता है BH प्लस CN माइनस, और ये CN माइनस इस कार्बन पर अटैक करता है और फिर हाइड्रोजन अपना ये BH वापस ऑक्सीजन को अपना H प्लस डोनेट कर देता है और ये बन जाता है। ये बेस अक्सर हम लेते हैं, ये बेस की जगह पर अक्सर हम लेते हैं KCN, तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन साइनाइड प्राप्त होता है यही है। यह एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में इस R की जगह अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा होगा, -M, -H, -I ग्रुप लगा होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर फास्ट होगा। अब आप चेक करें, यहाँ पर इन एग्जाम्पल को चेक करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जी, यहाँ पर आपका ये OCS3 मेटा पोजीशन पे जुड़ा है, माइनस आई का काम करेगा ये, अच्छा मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, और यहाँ पर चौथे वाले केस में जो OCS3 है ये प्लस एम का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके रिएक्टिविटी को बहुत घटा देगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो NO2 है ये गलती से मेटा पे लगा है, पर क्वेश्चन में ये लगा हुआ था पैरा पर, क्वेश्चन में ये पैरा पोजीशन पे लगा, जो फाइनल क्वेश्चन है ये मिस्टेक है, आप इसे करेक्शन कर लेंगे। अच्छा, ये -M ग्रुप लगा है, ये -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके वो इसके रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ये रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर भी ये -M ग्रुप है, पर यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, ये -M ग्रुप के साथ में इस एल्डिहाइड के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी थोड़ी सी घट जाएगी। भाई -M इफेक्ट पैरा से भी लग रहा है, -M इफेक्ट ऑर्थो से भी लग रहा है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वहाँ पर रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी 3। ओके, नेक्स्ट, ये कंप्यूटर ने स्ट्रक्चर बनाने में पैरा की जगह मेटा पर नाइट्रो लगा दिया था। ओके, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट प्रोडक्ट सी के बारे में, प्रोडक्ट ए के बारे में और प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, चलिए पहले आप रिएक्शन को कंप्लीट करिए फिर आप आराम से इसको बता पाएंगे। तो यदि आप HBr का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर HBr देखिएगा एक्सिस लिखा, यदि HBr एक्सिस रिएक्शन कराएंगे तो पहला HBr यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके यहाँ H और यहाँ Br लगा देगा, मैं बना रहा हूं ये बने, यहां Br, ठीक है, और यहां पर ये, फिर अगला HBr जो होगा वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी लेगा, यहां पर H प्लस आएगा याद रखिएगा, और फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करके यहां के टैन बनेगा और यहां पर Br माइनस जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा Br। ये बन जाए, अब मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड होता है, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है ये नहीं टूटता, क्यों नहीं टूटता, बेंजीन से जुड़ा बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करके ये बॉन्ड मजबूत कर देगा, तो ये ब्रेक नहीं करेगा, बिहार यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये बना प्रोडक्ट, अब याद रखिएगा। ओके, फिर इसके बाद में इसका रिएक्शन KVH के साथ हम करा रहे हैं, KVH के साथ कराएंगे तो KVH हीट करने पर इलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, इलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बन जाए, फिर इसका ओजोन जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है,
और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आप जानते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ दो हाइड्रोजन है एल्डिहाइड, और यह वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, और ओजोनोलिसिस कराने के बाद हमें प्राप्त होगा एक तो ये ऑर्थो सैलिसिलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्राप्त होगा, प्लस एक यहाँ पर प्राप्त होगा आपका एल्डिहाइड ओ सी एच सी एच ओ नहीं, यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा सी एच और सी एच ओ, ये ग्लाइऑक्सल और प्लस फॉर्मल्डिहाइड। हाँ बन गया रिएक्शन, अब आपके साफ साफ दिख रहा है, मिला लो, ये आपका बना कंपाउंड ए और फिर ये बना कंपाउंड बी और ये बना कंपाउंड सी। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में लिखा है ए इज ये, बिल्कुल ये मैच कर रहा है, तो ए तो करेक्ट, वन इज द राइट आंसर इसका। टू चेक करें, टू में दोनों बी आर को पास पास दिखा दिया, इस बी आर को यहाँ होना चाहिए, गलत है। थ्री में थ्री तो गलत है, और सी की बात करें तो सी में यहाँ अल्कोहल बना रखा है इसलिए सी वाला भी और गलत बना रखा है इसने। फोर ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, थ्री भी इनकरेक्ट है, टू भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका वन होगा, वन ये ए बना। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रिएक्शन HNO3 के साथ करा रहा है फिर एसाइलेशन करा रहा है, ग्लूकोज का रिएक्शन डायरेक्ट एसाइलेशन करा रहा है और ग्लूकोज का हाइट पहले रिडक्शन करके फिर एसाइलेशन करा रहा है, इसमें वो लगा कि कैलकुलेट रिक्वायर मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट बनेंगे ये इसमें कितने रिक्वायर्ड मोल हैं जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के जी इनमें, तो याद रखिएगा एसिटिक एनहाइड्राइड जनरली किसके साथ रिएक्शन करता है, OH के साथ या NH2 के साथ या NH के साथ, ठीक है। किसी कंपाउंड में OH, NH2 या NH होता है तो उसकी संख्या को पता करने के लिए हम उसका एसाइलेशन करते हैं, और वो एसाइलेशन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू भी कर सकते हैं, वो ACCL के थ्रू भी कर सकते हैं, और जितने OH होंगे उसी प्रोपोर्शन में इसका एक एसाइलेशन करने पर इसका वजन जो होता है मॉलिकुलर वेट 42 यूनिट बढ़ जाता है, तो उसी से हम नंबर ऑफ OH और उसका पता करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार पूछा जाता है एसाइलेशन। अब मैं आपको बताऊं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एक करके रिएक्शन आप करिए इसका, आप जानते होंगे। ये क्वेश्चन आपके इससे पहले वाला जो मेंस हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जनवरी अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पूछा गया था। आप सबसे पहले इसका रिएक्शन करेंगे HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्शन करने के उसके बाद, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड किनारे वाला कार्बन और ये 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ऊपर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और बीच में बचेंगे OH। अब इसमें कुल नंबर ऑफ OH 4 हैं, तो अगर आप यहाँ एसाइलेशन करेंगे तो यहाँ पर कुल 4 मॉलिक्यूल Ac2O की रिक्वायर्ड होंगे। Ac2O का रिएक्शन हम बेस के प्रेजेंस में पिरिडीन वगैरह के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड Ac2O की संख्या होगी वो 5, 4।
ग्लूकोज में डायरेक्ट एसाइलेशन कर रहा है, तो ग्लूकोज में एसाइलेशन करेंगे तो जितने सारे OH ग्रुप हैं यहाँ पर एसाइल ग्रुप आ जाते हैं, और यहाँ OH की संख्या 5 है तो इसका एसाइलेशन करने पर यहाँ पर संख्या होगी 5 मोल की, मतलब इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल पर इसके 5 मॉलिक्यूल लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपके आपसे बात करूँ H2 निकिल से रिएक्शन करने पर इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्लूसीटॉल या एल्कोहल में, बस कुछ नहीं, सब कुछ वैसे रहेगा, ये किनारे वाला एल्डिहाइड एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब देखें इसमें नंबर आप OH कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है रिडक्शन। आप हाइड्रोजन निकिल से रिडक्शन करें, आप इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करें, आप इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करें, इसी मेथड से रिड्यूस होगा। इसमें नंबर ऑफ OH कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका एसटी के नाइट्राइड के साथ या ACCL के साथ रिएक्शन करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिक्वायर्ड है वो 6 मोल्स लगेंगे इसके एक मोल के ऊपर, इसके एक मॉलिक्यूल पर इसके 6 लगेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बना कंपाउंड, ये पहला वाला फर्स्ट एक्स में लगा 4 मोल है ना, एक्स में लगे 4 मोल और वाई में लगे आपके, वाई में कंज्यूम हुए कुल आपके वाई बनाने में लगे 5 मोल और जेड बनाने में लगे आपके, यहाँ जेड को बनाने में लगेंगे 6 मोल, तो 4, 5, 6 होना चाहिए आंसर, तो आंसर शुड बी 4, 5, 6 मॉलिक्यूल्स मोल्स है ना, एक मोल ग्लूकोज पर इतने मोल्स, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल एसटी के नाइट्राइड का कंजम्पशन होना चाहिए। ओके, फाइंड आउट द काइरल सेंटर इन पेंसिलिन, ये एंटीबायोटिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, अगले उसमें पूछा जा सकता है, मतलब ये हमारे शरीर में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करता है, हमारे शरीर में कुछ लाभकारक बैक्टीरिया भी होते हैं उनको छोड़ करके इसका टारगेट क्या होता है, हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करना। अब इसमें पूछा है कि इसमें कितने काइरल सेंटर है, तो चेक करो यहाँ पर काइरल सेंटर क्या होते हैं, जिस एटम के चारों ग्रुप अलग हो और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो उसको काइरल सेंटर कहा जाता है। काइरल सेंटर किसको कहते हैं, आप सब जानते हैं, एक ग्रुप P है, दूसरा Q है, चौथा R है, नेक्स्ट S है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, तो ऐसे सेंटर को हम काइरल सेंटर कहते हैं। अब याद रखिए यहाँ पर काइरल सेंटर देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये नहीं हो सकता sp2 हाइब्रिडाइज है, लोन पेयर को भी हम ग्रुप मानते हैं पर ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाँ ये कार्बन काइरल सेंटर हो सकता है, ये कीटोन काइरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर को भी हम एक ग्रुप मानते हैं अगर वो रेजोनेंस नहीं करता, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है इस कीटोन के साथ, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ये कार्बन को काइरल सेंटर मानेंगे। ठीक है, ये कार्बन को काइरल सेंटर मानेंगे तो यहाँ पर काइरल सेंटर की संख्या आई थिंक इट शुड बी 3 काइरल सेंटर है और ये इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब हम बात करें बेंजाइलेमाइन मे बी एल्काइलेटेड एज सोन इन फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजाइलेमाइन का इस रिएक्शन द्वारा हम ओके एल्काइलेशन कर सकते हैं, मैं इसको मिटाऊं फिर मैं इसका जवाब दूं। ओके, बेंजाइलेमाइन मे बी एल्काइलेटेड इन फॉलोइंग इक्वेशंस, जी ये एल्काइल हैलाइड है, इस एल्काइल हैलाइड पर ये बेंजाइलेमाइन न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करके हैलोजन को निकाल रहा है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म, उसने हिंट दे दिया कि यह मैकेनिज्म SN1 है और आप जानते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में RX सबसे पहले कन्वर्ट होता है कार्बोकेटायन में और फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है।
और जिस एल्काइल हैलाइड के ये कार्बोकेटायन स्टेबल होता है उसमें रिएक्शन फास्ट होता है। तो आपको देखना है सबसे स्टेबल एल्काइल हैलाइड किसका बनेगा, ये बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड का जो कार्बोकेटायन होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो मोस्ट सूटेड SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होगा, मतलब जिसका केटायन स्टेबल होगा, और केटायन किसका स्टेबल होगा SN1 में, सी का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो रिटेंशन आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अच्छा, रिटेंशन और इन्वर्जन तो तब होता है जब कंपाउंड में काइरल कार्बन हो। इसमें तो कोई काइरल कार्बन नहीं है, इसमें भी कोई काइरल कार्बन नहीं है, इसमें भी कोई काइरल कार्बन नहीं है, तो रिटेंशन इसी में पॉसिबल है, और बाकी में किसी में तो कॉन्फिगरेशन ही नहीं है, आर है नहीं ऐसे, तो आंसर शुड बी टू। ओके, तो ये शिफ्ट वन का सोल्यूशन हो गया है, और अब इसके बाद हम अगले सूट में आपको मिलेगा। इसके बाद पहले तो शिफ्ट वन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।